बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी के एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कार हादसे पर आप इंश्योरेंस क्लेम कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में आपको बताएंगे। जो मालूमात हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सऊदी अरब में ट्रैफिक के कानून के मुताबिक आपके लिए गाड़ी का इंश्योरेंस कराना लाजमी है, एटलीस्ट गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना लाजमी है। इंश्योरेंस ना कराना खिलाफ कानून शुमार किया जाता है, जिस पर चालान भी होता है और एक्सीडेंट होने की सूरत में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए मुख्तलिफ मंजूर शुदा कंपनियां हैं जिनके आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आपके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए सालाना प्रीमियम जो है आपकी गाड़ी के हिसाब से और गाड़ी के मॉडल के हिसाब से वो मुतय्यन किया जाता है। हादसे की सूरत में क्या करें, हादसे की सूरत में ट्रैफिक पुलिस की जानब से आप सब जानते हैं कि सिक्योरिटी कंपनी जिसका नाम नजम है उसको हादसा की रिपोर्ट करने का इख्तियार दिया गया है। कंपनी सिर्फ उस सूरत में ही हादसे की रिपोर्ट कर सकती है जब हादसे का शिकार होने वाली दोनों पार्टियों के पास इंश्योरेंस स्कीम हो। किसी एक के पास भी इंश्योरेंस ना होने की सूरत में केस जो है वो डायरेक्ट ट्रैफिक पुलिस देखती है। ट्रैफिक हादसे के वक्त ये ज़रूरी है कि गाड़ी को जाए हादसा से उस वक्त तक ना हटाया जाए जब तक नजम इंश्योरेंस या ट्रैफिक पुलिस के अहलकार हादसे पर ना पहुंचे। इसके अलावा अगर हादसा ऐसी जगह पर हुआ जहाँ से ट्रैफिक मुतासर हो रही हो तो ऐसी सूरत में जाए हादसा और मुतासर गाड़ियों के मुख्तलिफ एंगल से तस्वीर लेने के बाद उन्हें एक तरफ किया जा सकता है ताकि तस्वीर उसके बाद आप अहलकार को दिखा सकें। ट्रैफिक पुलिस की जानब से नजम का इदारा जिसको आप एक्सीडेंट की रिपोर्ट करते हैं उसका जो नंबर है वो 9200005 है। आप इस पर कॉल करेंगे, ये कॉल मुफ्त नहीं होती। इसके अलावा नजम की एप्लीकेशन भी है जिससे आप मुस्तफीज हो सकते हैं। नजम कंपनी को कॉल करके आप एक्सीडेंट की जगह के बारे में बताते हैं और इसके अलावा वो फौरी तौर पर टीम भेजते हैं। नजम के अहलकार जो है वो हादसे का मुआयना करने के बाद उनकी गलती का तायुन करते हैं और उसके बाद दोनों के मोबाइल फ़ोन पर रिपोर्ट का लिंक जो है वो भेज दिया जाता है। कंपनी की जानब से भेजा गया लिंक जो है उसे फाइल को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना ज़रूरी होता है, जिसमें एक पेपर नुकसान का तखमीना लगाने वाले इदारे जिसे अरबी में शेखुल मुआरज या शेखुल वरिश कहते हैं उसके लिए होता है, जबकि दूसरा ट्रैफिक पुलिस के लिए जारी किया जाता है जहाँ से गाड़ी की मरम्मत करवाई जाती है। हादसे की सूरत में इंश्योरेंस क्लेम के लिए शेखुल मुआरज के पास जाना ज़रूरी है जहाँ मौजूद एहलकार गाड़ी का मुआयना करने के बाद हादसे में होने वाले नुकसान का आइडिया लगाते हैं जिसमें स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत दोनों शामिल होती हैं। नुकसान का आइडिया लगाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजा जाता है जो थर्ड पार्टी के असूल के तहत होता है। हादसे में अगर एक फ्रीक की गलती 75% दूसरे की 25% हो तो इंश्योरेंस कंपनी की जानब से उसी तनासुब से जो है वो उसका नुकसान पे किया जाता है। इंश्योरेंस ना होने की सूरत में हादसे की सूरत में जिस पार्टी की गलती होती है उसे दूसरे पार्टी का नुकसान पूरा करना होता है। जब तक नुकसान की रकम अदा ना की जाए या मुआफ ना किया जाए उस वक्त तक नुकसान का जिम्मेदार शख्स पुलिस लॉकअप में रहता है। नुकसान का तखमीना जो है वो शेखुल मुआरज से हासिल करदा रिपोर्ट के बाद मुकर रकम अदा करना लाजमी है। रकम की अदायगी या मुआफ़ी की सूरत में ही पुलिस हिरासत से रिहाई पा जा सकती है। इंश्योरेंस होने की सूरत में पुलिस मुदाखलत खत्म हो जाती है जबकि तमाम नुकसान इंश्योरेंस कंपनी अदा करने की पाबंद है। इंश्योरेंस क्लेम जो उसका हसूल किस तरह से होगा, शेखुल मुआरज की जानब से जारी होने वाली रिपोर्ट के साथ आप मुकर्रर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम दाखिल करना होता है जहाँ मतलूबा मालूमात दर्ज किए जाने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्लेम की रकम मुतासर शख्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।